ये लो पानी पियो और रोना बंद करो। रोने को और क्या करूं मैं? मुझे डर लग रहा है। तुम्हें पता है ना, अगर अप्पा को पता लग गया तो वो मेरी पढ़ाई रोक देंगे साहिबा। तो ये तो तुम्हें उसे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था ना पल्विशा। थप्पड़ ना मारती तो और क्या करती मैं? बदतमीज लड़का, तो मेरे मुंह के आगे उसने बाइक आके रोक दी। दो दफा इग्नोर किया मैंने उसे और तीसरी बार हाथ ही उठा दिया। हाँ, जवाबन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम खुद ही तो मुझे कहती हो ना कि अच्छी लड़कियां अपने इज्जत नफ्स का ख्याल रखती हैं, तो फिर तीसरी बार भी इग्नोर करना चाहिए था ना। देखो पल्विशा, तुम्हें नहीं पता ऐसे लड़कों का भरोसा नहीं किया जाता। ये किसी भी वक्त कोई भी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। टीवी नहीं देखती, अखबार नहीं पढ़ती। बस कर दो साइमा, बस कर दो। तो मुझे और डरा रही हो, मेरे मैसेज सर में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैंने क्या कर दिया। पल्विशा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ आईना दिखा रही हूँ। अगर ये बात गलती से भी जफर चाचा को पता चल गई किसी गलत अंदाज में, तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? किसी भी राह चलते का हाथ पकड़ के तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम्हें अलविदा कह देंगे। तुम एक काम करो, मेरा ख्याल है तुम्हें 2-3 दिन तक कॉलेज नहीं आना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक ही तो कह रही है साइमा। मैं जितना नाक की सीट में चल, एक शक, सिर्फ एक शक अब्बा को मुझसे बदसन कर देगा। नाजर, अरे अब तो दूसरा स्टोर भी खुल गया है, अब तो शादी के लिए हाँ करते हैं। अरे कहाँ खो गया है? कुछ पूछ रही हूं मैं तुझसे। अरे ये देखना, ये देख जरा, कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें हैं। अरे जरा देख तो सही। मोहब्बत के बगैर शादी नहीं करूंगा, और आपा की शादी से पहले तो हरगिज नहीं करूंगा। ये फिजा के चक्कर में बैठा रहा है ना तू, 25 बरस का हो गया है, और ये मोहब्बत क्या चीज है? हा? अरे जब शादी हो जाती है ना, तो मियां बीवी के बीच में खुद ब खुद मोहब्बत हो जाती है। किसी अच्छी लड़की से मोहब्बत ना हो जाए तब तक। और ये अच्छी लड़की की तारीफ क्या है भाई? हाँ जरा मैं भी तो सुनूं। जो मोहब्बत दे, सुकून दे, तुम्हारी और आपा की तरह घर को जंग का मैदान ना बना दे। देखा सर, अब तू अपनी माँ पे तंज कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ अम्मा, एक दिन भी घर में गुजारना मुश्किल हो जाता है। और अपनी बेटी की खुशियां तो बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे कह रही हूँ मैं शादी कर लूँ, फिर 2-3 औरतें लड़ रही होंगी घर में, और खाने के बीच में बोलते नहीं है। आप मुझे तो रोटी खाओ। रोटी कैसे दे? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? वो अब्बा आज अचानक से तेज हो गई थी, आप ये दूसरी ले। कॉलेज ना पढ़ने के लिए भेजता, पढ़ाई में ध्यान रहे तो बेहतर है जी। अब अगर ये आंच तेज होने की वजह कुछ और हुई तो बख्शूंगा नहीं मैं तुम्हें। वापस कब आई थी? वो वैन खराब हो गई थी अब्बा, तो 3 बज गए थे। आंखें उठा के बात करो, इधर देखो, ये आंखें क्यों सूजी है तुम्हारी? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है अब्बा, क्या हो गया है? सामने ये खान स्टोर खुल गया ये लॉन्डो का, इसलिए वक्त बे वक्त ये दरवाजे पे और छत पे जाने की गुजरत नहीं, टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। और अपनी मां जैसा कोई गुल ना खिलाना, वरना मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा।
मैं भी साथ चलती हूँ। क्यों? आज की दुकान से जूस लूंगी, बहुत प्यास लग रही है यार, आ जाओ। अच्छा तो सुनो, मेरा काम करना, ये ना मेरे नंबर पे ना 50 का इजी रूट भी करवा देना, ठीक है? अरे क्यों, मेरे साथ चलो ना, साथ करवाते हैं। पागल हो गई हो क्या? अब्बा ने सख्ती से मना किया है मुझे। अच्छा, तब अब्बा का ख्याल नहीं आया जब कॉलेज के सामने उस लड़के को रख के तुमने थप्पड़ मारा था? अब अब्बा का बड़ा ख्याल आ रहा है? उस वक्त अब्बा को पता नहीं चला ना, तो इस बार भी पता नहीं चलेगा। सरमा, दोनों बातों में बहुत फर्क है ना, तुम जाओ। वैसे भी वो मनाहिल की बातों से मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, चलो दो मिनट की तो बातें, मजा आएगा। नहीं जा रही, मैं घर जा रही हूँ। सरमा नहीं, सरमा मेरी बात सुनो। नहीं यार, नहीं ना सरमा, छोड़ो अब्बा देख लेंगे। नहीं होगा, चलो चुप, कुछ नहीं। सरमा मर जाऊंगी। कैसी हो? ठीक। जूस चाहिए था। जूस चाहिए? कौन सा? स्ट्रॉबेरी का। मुझे प्यार से सब स्ट्रॉबेरी कहता है। क्या बात है, मिलेगा स्ट्रॉबेरी का? हाँ भाई जमाल, जूस लिया स्ट्रॉबेरी। ये मेरी दोस्त के मोबाइल में 50 का बैलेंस डाल दो। हाँ क्यों नहीं, अभी डाल देते हैं। मैडम जी, नंबर बोलो। नहीं, तुम एक काम करो, 100 वाला कार्ड दे दो। मगर अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें अपने मोबाइल में 50 का इजी लोड करवाना है। शक्ल देखिए उसकी, गुंडा लगता है। नंबर चला जाएगा उसके पास, कार्ड ही सही है ना? ओ मैडम जी, जिस स्टोर का मालिक हूँ मैं, कोई ऐसे वैसे लड़का नहीं हूँ कि लड़कियों के नंबर ही सेव करता फिरूं। हजारों लोग आते हैं यहाँ पे, अपना इजी लोड करवाते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि सबको मिस काले मारते फिरे। तो ऐसे रहता। चल भाई जमाल, पूछ मैडम से कौन सा कार्ड चाहिए। बीबी, जूस कहाँ है तुम्हारा? जूस नहीं आया? नहीं। रिमाल देना भाई, जूस दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। ठंडा दे, ठंडा देना। ये लो तुम्हारा जूस। हाँ लेकिन दो चाहिए थे जूस। हाँ क्यों नहीं, दो लो तुम। दे भाई जमाल, दूसरा जूस भी दे दे मैडम को, ठंडा स्ट्रॉबेरी। अब खुश? ऐसे लोफर कहीं? नहीं, बात करने की तो तमीज नहीं। तो कहाँ से आ रहे थे तुम लोग? पता नहीं सायमा से इतना अच्छा इंसान क्यों समझती। सही है, तुमको चाहिए कोई बात नहीं। और ये इसके पैसे? सायमा चले, बात में देख लेंगे। सही है, लाफ। और कुछ चाहिए तो आ जाना। हाँ भाई, तुम पैसे दो भाई जूस। काहे के पैसे? दो जूस पिए। वो लेकर गई है, दे देगी पैसे, क्या होगा? उसने दे दिए, चल गई दुकान। चलेगी नहीं, दौड़ेगी, पब्लिसिटी हो रही है। तो दे दो सब, दे दो, और दे दूं निकाल लूंगा। काम करो।
वे।